पूरे देश में इसको लेकर के खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों के दिल में खुशी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में तानाशाही का अंधकार युग कायम किया था, लोगों को कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है, इसलिए पूरी दिल्ली पूरा देश उनका शुक्रगुजार है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हमें इस बात का भरोसा है कि देश में जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये लड़ाई और मजबूत होगी और देश ये लड़ाई जीतेगा। जेल तो तानाशाही का ही प्रतीक है, जेल में जिस तरह से इन्होंने डाला हो तो तानाशाही तो उनकी जारी है, तो जैसे उसी तानाशाही के खिलाफ अंतरिम बेल भी एक लड़ाई का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई और मजबूती से हम लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे। पूरे देश में इसको लेकर के खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों के दिल में खुशी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में तानाशाही का अंधकार युग कायम किया था, लोगों को कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है, इसलिए पूरी दिल्ली पूरा देश उनका शुक्रगुजार है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हमें इस बात का भरोसा है कि देश में जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये लड़ाई और मजबूत होगी और देश ये लड़ाई जीतेगा। जेल तो तानाशाही का ही प्रतीक है, जेल में जिस तरह से इन्होंने डाला हो तो तानाशाही तो उनकी जारी है, तो जैसे उसी तानाशाही के खिलाफ अंतरिम बेल भी एक लड़ाई का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई और मजबूती से हम लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे।